तो गाइज पहले आपको अपना फोटो ऐड करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जिस फोटो का आप बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हो। एंड देन आपको ड्रॉ टूल पे टैप करना है और कलर आपको वाइट चूज करना है, और अपने फोटो को थोड़ा सा जूम करना है, और पेंसिल टूल पे आपको टैप करना है और हार्डनेस इंक्रीज करना और जूमेबिलिटी ऑन करना, और साइज अपने हिसाब से आप रख लेना ओके। और अपने मॉडल के ऊपर सिंपली ब्रश करना है, और आपको टॉप वाले आइकॉन पर टैप करके इसका ओपासिटी डाउन करना है। तो गाइस ओपासिटी जब हम डाउन करेंगे तो हमारा मतलब जो पार्ट है मतलब बहुत ही क्लियर दिखेगा कि किस पार्ट को हमें इरेज करना है ओके। तो इस चीज़ को आप केयरफुली कर लेना। एंड गाइस अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी फ़ोटो एडिटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की लगे, तो आप बैकग्राउंड इरेज करने में थोड़ा वक्त दिया करो, क्योंकि आप जितने टाइम बैकग्राउंड इरेज करने में दोगे आपकी फ़ोटो एडिटिंग उतना ही परफेक्ट एंड नेक्स्ट लेवल की होगी। सो मेक श्योर कि आप बैकग्राउंड इरेज करने में थोड़ा वक्त दिया करो ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो फटाफट बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं, जैसे तैसे बैकग्राउंड कैसा भी लगे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और सीधे बैकग्राउंड पे ले जाके उसे लगा देते हैं अपने मॉडल को, तो मतलब बहुत ही बेकार फ़ोटो लगता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ बैकग्राउंड इरेज करने में ज़्यादा वक्त दो, तभी आपकी फ़ोटो एकदम से परफेक्ट एंड नेक्स्ट लेवल की लगेगी ओके। तो यही आपको सजेस्ट करना था। तो प्लीज़ फोटो जब बैकग्राउंड इरेज कर रहे हो ज़्यादा वक्त दिया करो। अब आपको टॉप आइकॉन पे टैप करना है, और इसका ओपेसिटी फुल और इसका ब्लेंडिंग मोड आपको मल्टीप्लाई रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है, और यहाँ पे जो चीज़ रह गया उसे वापसी से हम इरेजर टूल पे टैप करके इरेज कर सकते हैं, एंड देन रीस्टोर भी कर सकते हैं पेंसिल टूल पे टैप करके। तो आप देख सकते हो कितना क्लियरली बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी। आई होप आई पॉट योर स्माइल। होल्ड मी क्लोज टिल आई गेट अप।